सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ट्रामाडॉल इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन हमें कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, लगाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह किस कंडीशन में लगाया जाता है। जब किसी के शरीर में या मांसपेशियों में, जोड़ों में अधिकतर दर्द रहता है तो उस कंडीशन में लगाया जाता है। और दोस्तों, किसी भी पेशेंट को कोई लगाने से पहले उसका एज क्या है, उसके पिछली समस्या क्या है, उसको कौन सी दवा चल रही है, इन सब चीज़ों को कंसल्ट करके ही इंजेक्शन को लगाया जाता है। इंजेक्शन को लगाने से पहले हमें अपने हाथ को अच्छे से धुल लेना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पूछ लेना चाहिए कि वह खाली पेट है या कुछ खाया है कि नहीं खाया है, तभी इंजेक्शन लगाना चाहिए। जब हम कोई भी इंजेक्शन इंट्रामास्कुलर देते हैं तो उसे हमें 90 डिग्री पे इंजेक्शन को देना चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशन में ट्रामाडॉल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये है फीमेल पेशेंट। इंजेक्शन में जो एयर बबल्स होंगे उसे हम अच्छे से निकाल देंगे और पेशेंट से बोल देंगे कि वह अच्छे से लेट जाए, और लेटने के बाद हमें उस एरिया को कॉटन की सहायता से इस तरह से क्लीन करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और इंजेक्शन को 90 डिग्री पे लगाना है। 90 डिग्री पे लगाने के बाद इंजेक्शन को अपने साइड हल्का सा पुश करना है। अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो नहीं लगाना है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इंजेक्शन को लगाने के बाद आराम से निकाल लीजिए। निकालने के बाद कॉटन को वहाँ रख दीजिए ताकि अगर हल्का फुल्का ब्लड आए तो उसी में लग जाए। तो इस तरीके से इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले।